तालीम के हसूल के लिए आई हुई है, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफत सीखने के लिए आई हुई है। पाकिस्तान में तो बच्चे पैदा होते हैं, बाहर जाते हैं, मिट्टी खाते हैं। नहीं नहीं, मेरे में वो आदत नहीं है, वो उल्टा सीधा कल्चर नहीं, सही कल्चर सीखने आई हूँ, सही रहना है, मिक्स है सब कुछ। माशाल्लाह इसने 2 दफा कुरान जीत भी खत्म किया है, इसको कलमे भी आते हैं और इसको नमाज भी आती है। फिर नहीं हूँ। कोरियन है, इनको पंजाबी तो नहीं आती होगी। मेरे ना रंगबाजी ना लाई, रपटे ना खा ली, तू उठ जा। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। कोरियन लड़की है 12 साल की, ये पाकिस्तान में तालीम के हसूल के लिए आई हुई है, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफत को सीखने के लिए आई हुई है। ये स्टोरी सुनने के बाद आपका दिल बड़ा हो जाएगा और आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। शहजाद नवीद साहब जो कि पाकिस्तानी है, कोरिया में उन्होंने शादी की कोरियन खातून से, और उसके बाद जब उनकी बेटी की पैदाइश हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कोरिया का कल्चर सिखाने के बजाय, कोरिया में इसे रखने के बजाय पाकिस्तान भेजता हूँ, मेरे मुल्क भेजता हूँ, जहाँ पर ये पाकिस्तान की सकाफत को अपनाएगी, पाकिस्तान के कल्चर को अपनाएगी और दीन इस्लाम की तालीम हासिल करेगी। और पाकिस्तान में जिन गलियों में, जिस मिट्टी में मैं पला बड़ा हुआ और अब मैं कोरिया में आ गया हूँ, इस मिट्टी को मैं मिस करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वही सकाफत, वही तालीम, वही माहौल मेरी बेटी देखे जो मैंने अपने बचपन में देखा है। सू जूनी मेरे साथ मौजूद हैं और ये 12 साल की हैं, ये पाकिस्तान के स्कूल में जाती हैं, बाहर गली में बच्चों को वट्टे भी उठा उठा के मारती हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कोरिया में भी ऐसा कल्चर होता है कि बाहर गली में उठा के किसी को पत्थर मार दो, या बाहर गली में बच्चों के साथ खेलना, मिट्टी खाना। मिट्टी खाई है कभी आपने? मिट्टी खाई है कभी? नहीं। पाकिस्तान में तो बच्चे पैदा होते हैं, बाहर जाते हैं, मिट्टी खाते हैं। नहीं नहीं, मेरे में वो आदत नहीं है। आदत नहीं है? नहीं। वो कह रही है मिट्टी खाने वाली आदत नहीं है। इमरान खान ने कहा था कि जब पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनेगा तो बाहर से लोग तालीम के लिए पाकिस्तान आएंगे, तो ये मिसाल सच होगी। कोरियन लड़की पाकिस्तान में तालीम भी हासिल कर रही है, पाकिस्तान की सकाफत को भी प्रमोट कर रही है, यहाँ का कल्चर भी सीख रही है। सू जूनी आपका नाम है जी, इसका मतलब क्या है? स्काई नजर ही नहीं आता यहाँ पर, कोरिया में नजर आता है जी। माहौल इतना खराब है बाहर कि स्काई नजर ही नहीं आता जी। पाकिस्तानी लैंग्वेज सीखी आपने? हाँ जी। कौन कौन सी? उर्दू तो आपको अच्छी आती है, पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी आती है। पंजाबी भी थोड़ी थोड़ी आती है। लोग आपके सामने पंजाबी में बात करते हैं? हाँ जी, जब वो करते हैं, फिर जब मैं उर्दू बोलती हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं। उनको पहले लगता होगा कोरियन है, आंखें अजीब अजीब सी हैं, नाक लंबा सा है। हाँ, वो समझते होंगे इसको कुछ आता नहीं होगा, हम बोल दें। क्या बोलते हैं वैसे लोग इसको? मोस्टली जब लोग इसको देखते हैं तो कहते हैं ये तो जापानी लग रही है, जापानी गुड्डी लग रही है, कोरियन लग रही है, चाइनी लग रही है, क्योंकि उसके सामने बोलते हैं उसको, ये उनको समझ तो आती नहीं है, लेकिन जब ये आगे से आंसर करती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी अच्छी उर्दू तो पाकिस्तानी बोल सकते हैं। कब से पाकिस्तान आई हुई हैं आप? जब मैं 2 ईयर्स की होती थी। पाकिस्तान क्यों आई है? कोरिया तो इतना जदीद मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, मतलब इकॉनमी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में मेरा आने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पे तालीम हासिल कर सकूँ, अब ये पाकिस्तान का कल्चर, सकाफत को मैं हासिल कर सकूँ, जहाँ पे मेरे बाबा पाले हैं, बड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं अडोप्ट कर सकूँ। ये किसकी ख्वाहिश थी? मेरे बाबा मामा। बाबा और मामा? मामा कोरियन है जी। कोरिया का तो जो बड़ा कानून सख्त होता है जी, होता है, स्ट्रिक्ट होते हैं सब जी। तो आपकी मामा नहीं है स्ट्रिक्ट? नहीं नहीं, इसलिए उन्होंने आपको पाकिस्तान भेज दिया। हाँ जी। पाकिस्तान आजाद मुल्क है। हाँ जी। जो मर्जी करो जी। पाकिस्तानी जो लड़कियां होती हैं ना, उनको चुगलियों की आदत होती है, उसकी चुगली करना। ये आपके चाचू की चुगलियाँ करती हैं किसी के साथ? नहीं। चुगली करने का जो लेटेस्ट आ गया ना मेथड, वो है स्नैपचैट। तो ये मौसी मुझे जब तंग करती है तो साथ वीडियो भी शूट कर लेती है, फिर वो अपने फ्रेंड्स को स्ट्रीक्स भेजती है कि मैंने आज ये कारनामा किया घर में, आज मैंने ये काम किया है। कभी किसी दोस्त की चुगली कर दी हो दूसरे के साथ? पाकिस्तानी कल्चर है ना, कल्चर सीखने आई हूँ। वो उल्टा सीधा कल्चर नहीं, सही कल्चर सीखने आई हूँ। सही बात जी। पापा ने कहा आपको कि सही अच्छा वाला रियल पाकिस्तानी कल्चर सीखना? हाँ जी। ये उल्टा सीधा नहीं सीखना? नहीं नहीं, ये मिक्स कल्चर नहीं सीखना? कभी कभी मिक्स नहीं, मैं मिक्स सीख रही हूँ, उन्होंने तो कहा है सही रहना है, मिक्स है सब कुछ। अच्छा क्या सीखा इधर? यहाँ पे अच्छा सीखा कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो उनके दिल साफ होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रह के फिर आदत हो गई है उन
उनकी मैनर्स वगैरह सीख करके, उनके कपड़े लबास वगैरह। सूज उन्हीं के चाचू मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके जो बड़े भाई हैं वो कोरिया में बिजनेस करते हैं, वहीं का लाइफस्टाइल उन्होंने अपनाया हुआ, लेकिन वो चाहते थे कि उसकी जो औलाद है वो पाकिस्तान में उसी कल्चर में बड़ी हो जिस कल्चर में वो खुद बड़े हुए, और आज वो कोरिया में रहते हुए इस कल्चर को मिस करते हैं। भाई ये बताएं कि इनको पाकिस्तान भेजने का मकसद क्या था, मेन मकसद क्या था? यहाँ के जो रूल्स हैं, जो लिमिट्स हैं, वो इसके पापा यही चाहते थे कि वो उसको अडॉप्ट करे। मामा ने भी ये सोचा कि इसको हम पाकिस्तान भेजते हैं, वहाँ का जो दीन है उसको सीखेगी। तो अभी माशाल्लाह इसने दो दफ़ा कुरान मजीद भी ख़त्म किया है, इसको कलमे भी आते हैं और इसको नमाज भी आती है। कोरिया जाना, इधर रहना? कोरिया जाना। कोरिया जाना जी। तंग आ गई आप हमसे? नहीं नहीं, तंग नहीं आई, मज़ा आता है यहाँ पर। पाकिस्तान में और कोरिया के कल्चर में क्या फ़र्क देखा, आप कोरिया जाती रहती? जी, कोरिया एक साफ़ सुथरा मुल्क है, वहाँ पर जो इकोनॉमी है यानी कि बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की बात यह है कि पाकिस्तान जो पाकिस्तानी होते हैं उनके दिल साफ होते हैं। पाकिस्तान साफ नहीं? नहीं, पाकिस्तान साफ है थोड़ा, अगर आप उसको साफ रखते हैं तो वो साफ है। जी देख लो, पाकिस्तानी को ताना मिल गया फिर। मतलब ताना मार ही दिया, मतलब तीखी हैं आप। पता नहीं। अच्छा फिर? फिर क्या, क्या फ़र्क देखा वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या फर्क? वहाँ पे होता है कि वहाँ पर लड़कियाँ लड़कों के साथ फिर रही होती हैं ज़्यादातर, वहाँ पर ड्रेसिंग भी चेंज होती है। और पाकिस्तान में होता है उन्होंने हिजाब किया होता है एंड प्रॉपर मैनर्स होते हैं। वही सीखने आप पाकिस्तान आए? जी। तो आप भी तो लड़के के साथ फिर रही होती हैं, वो देखें चाचू आप? नहीं, वो तो चाचू है ना। चाचू दोस्त बन गए? हाँ जी। थानू लगता नहीं कि थोड़ी भतीजी थोड़ी जी फिनी है, ते नैल जड़ियां दी अखा नहीं, वो चैना दियां ने? हाँ फिनी तो हैगी, मैं वैसे मोस्टली कभी गुस्से जो होवां तो फिनी फिनी कह भी देना हुंदा इनू। मैं सब समझ रही हूं। सब समझ रही हूं जी। क्या कहा? फिनी हूं। फिनी का मतलब क्या होता है? पता नहीं, बस पता मतलब ये है कि फिनी है यानी कि थोड़ी सी, क्या कहते हैं उसे, नहीं पता। फिनी, फिनी का मतलब जो होता है ना वो नाक से रिलेशन होता है। अच्छा अच्छा, वो जैसे कहते नहीं आप पकोड़ा, पकोड़ा नाक पकोड़ा जैसा, इस तरह करके होता है। सीखा हुआ सब कुछ? जी जी। कोरियन है, इनको पंजाबी तो नहीं आती होगी? मेरे ना रंगबाजी ना लाई। आंधी है, आंधी है। और भी आते हैं? मोलिया तू चल में आया, रपटे ना खा ले तू उठ जा। रपटे। चलें जी, सू जूनी हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पर, वो सूजी हलवे वाली भी होती है। कभी खाया सूजी का हलवा? हाँ जी। तो फिर आपको कहते होंगे कि आपने अपने ही हलवा खाया? मैंने कभी गौर ही नहीं किया। एक बाप अपनी बेटी के लिए हीरो होता है, यही वजह है कि शहजाद नवीद साहब ने अपनी बेटी की तरबियत के लिए, ताकि ये जो अल्लाह की रहमत है ये अल्लाह के रास्ते पर चलती रहे, दीन इस्लाम को सीखे और पाकिस्तान के कल्चर को सीखे, और उनकी बेटी जो है वो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब की सुन्नत पर अमल करते हुए इस्लामिक कल्चर को अपनाए और पाकिस्तान भेजा, और इनकी तालीम चल रही है। दो दफ़ा माशाल्लाह इन्होंने कुरान पाक ख़त्म किया है, हिफ्ज़ करने का इरादा रखती हैं। सूजुनी इनका नाम है, सूजुनी का मतलब ये है कि नीला आसमान, और यहाँ पर नीला आसमान तो वैसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कहती हैं कि कोरिया में नीला आसमान नज़र आता होता है, लेकिन वहाँ पर इस्लाम का बोलबाला नहीं है। यही वजह है कि मैं पाकिस्तान आई हूँ और पाकिस्तान की इस मिट्टी से मुझे मोहब्बत होगी, और वही मिट्टी उठाकर मैं खा भी लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।